मेरे किसान भाई बहन, इस कार्यक्रम में देश में अलग अलग स्थानों से जुड़े केंद्र सरकार के मंत्रीगण, राज्य सरकारों के मंत्रीगण, आदरणीय सभी मुख्यमंत्रीगण, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक चुने हुए सारे जनप्रतिनिधि और सब गांवों में जाकर के किसानों के बीच में बैठे हैं। मैं आप सबको और मेरे किसान भाइयों बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार। किसानों के जीवन में खुशी, ये हम सभी की खुशी बढ़ा देती है और आज का दिवस तो बहुत ही पावन दिवस भी है। किसानों को आज जो सम्मान निधि मिली है उसके साथ ही आज का दिन कई अवसरों का संगम। देखिए, आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जो देश के नहीं पूरे दुनिया के एक सर्वोच्च नेता और हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, उनके जन्म दिवस पर आज देश के हर एक ब्लॉक पर किसान मेला का आयोजन किया गया है। मैं यहां पर इटावा जनपद के बसरेर ब्लॉक में किसान मेला में उपस्थित हुआ हूं, जहां हजारों किसान यहां पर आए हुए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इटावा जनपद में 232,811 किसानों को 2,000 की किस्त भी खातों में पहुंचाने का काम किया है। पूरे देश के अंदर 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भेजा है। ये जो कानून है, जो संसद में कानून पास हुआ है, वो किसानों के हित में है। किसान उससे मजबूत होगा, आत्मनिर्भर बनेगा, स्वावलंबी बनेगा और सारे किसान मिलकर के यहाँ पर इस बिल का पूरी तरह समर्थन करते हैं, उसको पूरा सपोर्ट करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो कानून है, ये किसानों के हित में है और किसानों की पूरा चिंता की जाएगी। किसानों के सम्मान किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं होगा, हर किसान की समस्या का समाधान होगा।